सिवनी जिले के आदेगांव थाना अंतर्गत खूबी रेयत गांव में गांव के ही एक युवक ने नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बना लिया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने परिजन आदेगांव थाना पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी एएसआई राजेश दुबे के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी गई। आज परिजनों ने एसपी से गुहार लगाते हुए शिकायत की है कि बीते दिनों गांव के ही एक युवक ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़ित लड़की और उनके माता पिता थाने पहुंचे, जहां पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि आदेगांव थाने में पदस्थ राजेश दुबे द्वारा दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखने की एवज में 5,000 की रिश्वत मांगी गई थी। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। उन्हीं का एक आदेगांव थाने से थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक परिवार आया हुआ था और उनके साथ एक आदमी पर्सन था। उनके द्वारा शिकायत की गई कि जो एक कार्रवाई हुई है एक बच्ची के साथ में गए बलात्संग संबंधी, उस पर विलम्ब हुआ है। इस संबंध में जांच के आदेश कर दिए गए हैं और जांच के उपरांत जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पदस्थ एसआई द्वारा पैसे की मांग की, वो सारे तथ्य जो है आवेदन दिया है तो सारे तथ्य उसमें जांच के अंतर्गत आएंगे, जो भी तथ्य रहेंगे। गंभीर मामला है, एक तो बलात्कार जैसे में उठ रिपोर्ट में, इसीलिए इसकी जांच कराई जा रही है। मैं आर्मी में हूँ, बट ये जो प्रार्थी है, प्रार्थी मेरे पास आया अपने रिलेटिव के साथ, बोला कि पुलिस विभाग तो पैसे ले रही रिपोर्ट के लिए, FRI करने के लिए रिपोर्ट की ले रही। मैंने किस तारीख को गए आप रिपोर्ट कराने, उन्होंने बोला 9 तारीख को गए। तो 9 तारीख के बाद 9-10 संडे पड़ गया, सैटरडे पड़ गया। उसके बाद मैंने थाना विभाग में सूचना प्राप्त की कि प्रभारी कौन है, उन्होंने बोला ईश्वरी पटले जी हैं, बट उस समय ईश्वरी पटले जी अवकाश पे थे, तो उसके अनुसार उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। और जो उसके पदस्थ थे जूनियर, एक दुबे जी थे, राजेश दुबे, उनके द्वारा इनको पैसे की डिमांड की गई। तब जाके मैंने इनसे कहा कि चलो मैं सेना का आदमी हूँ, आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। तब जाके मैंने 13 तारीख में इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आज मैं एसपी ऑफिस में इस डिले के लिए गुहार कर रहा हूँ कि इस ऐसे कानून के लिए जिसमें कि हम कोर्ट में इसके जवाब दे पाएँ कि डिले का क्या कारण था। आज डिले का रीज़न के लिए हम आप एक एप्लीकेशन दिए हमने एसपी साहब को, जिस एप्लीकेशन में हम ये बता सकें कि एक जो प्रार्थी है वो कितना भटका एक केस के लिए, 376 जैसा मामला, कितना गंभीर अपराध, नाबालिग के साथ ऐसे अपराध दोबारा कोई डिले ना कर पाए, और डिले करने के साथ साथ इस प्रकार की घटना को कोई दबा ना सके। इसलिए आज मैं सेना का जवान, इसके लिए पूर्णतः इनकी सुरक्षा के लिए और पूरी तरह मेहनत करने के लिए तत्पर हुआ। ओके, जय हिंद। आपका क्या नाम? मेरा नाम गौरीशंकर नेमा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।